नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। कंगना रनौत कुछ भी बोले लेकिन वो सुर्खियों में इसलिए बनी होती है क्योंकि वो जब भी मुंह खोलती हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलती हैं कि ट्रोलर्स उनके पीछे लग जाते हैं, और खासकर वो लोग जिनको कि ये लगता है कि वो इस तरीके की बातें क्यों करती हैं। और अब वो राजनीतिक जीवन में है, वो प्रत्याशी भी है मंडी हिमाचल प्रदेश से। एक प्रत्याशी होने के नाते उनसे ये तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब वो बातें करती हैं, चाहे वो इतिहास से जुड़ी हुई हो या फिर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के बारे में ही क्यों ना हो, कम से कम बेसिक जानकारियां तो लोगों को होनी चाहिए। अब वो चुनाव लड़ रही हैं। इंटरव्यू में उन्होंने इसके पहले कुछ दिन पहले क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उनकी बहुत हंसी हुई, उनका बहुत मजाक उड़ाया गया। आज एक और बयान कंगना रनौत का सामने आया है जिससे कि ये पता चलता है कि वो ट्विटर पर एक्टिव तो हैं, लेकिन उनको तेजस्वी यादव और तेजस्वी सूर्या के बीच में जो डिफरेंस है वो पता नहीं है। वो बोलना कुछ चाहती थी, बोल कुछ और गई। वो कटाक्ष कर रही थी तेजस्वी यादव पर कि वो गुंडागर्दी करते हैं, मछली खाते हैं, शहजादे का भी उन्होंने नाम ले लिया, लेकिन भाषण देते वक्त वो ये नहीं समझ पाई कि वो तेजस्वी यादव को बोल रही हैं या तेजस्वी सूर्या को। तो मैं आपको वो बयान सुनाना चाहती हूँ, आप उस बयान को सुनेंगे और उसके बाद फिर मैं आपसे चर्चा करूंगी। आइए सुनते हैं कंगना रनौत ने क्या कहा। इनको खुद नहीं पता यह कहाँ आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। इस तरह के एक बिगड़े हुए शहजादों की एक पार्टी है, चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं। तेजस्वी सूर्या जो कि जो गुंडागर्दी करते हैं और जो मछली खाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अभी हाल में जो तेजस्वी यादव के जो वीडियो सामने आए थे जहां पर वो प्रचार के बीच में उन्होंने मछली खाई, वो भी नवरात्रि के बीच में वीडियो बनाया, और उसके बाद सब यही बात कर रहे थे कि भाई जिसका जो खाने का मन है, जब खाने का मन है वो खाए, लेकिन इस तरीके की ट्रोलिंग क्यों। आज उसी बात को लेकर कंगना रनौत ने जब ये बयान दिया कि तेजस्वी सूर्या गुंडागर्दी करते हैं, तेजस्वी सूर्या मछली खाते हैं, तो तेजस्वी सूर्या आज शायद कंगना रनौत के ऊपर बहुत नाराज होंगे, लेकिन इस तरीके के बयान राजनीति को किस तरीके से विशिएट कर रहे हैं, उसका माहौल कैसे बिगाड़ते हैं, और जो छवि है राजनीतिक लोगों की उसको किस तरीके से नष्ट कर रही है समय कंगना रनौत, खुद मजाक बन गई है बीजेपी के अंदर भी और बीजेपी के बाहर भी। आज इसी सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की किताब लिखी है उसके लेखक पुष्पराज देश पांडे जुड़ रहे हैं, सोशल और पॉलिटिकल कमेंटेटर भी है साथ में। पुष्पराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं कंगना रनौत का जो ये बयान हमने अभी प्ले आउट किया था उसको देखकर आप क्या कहेंगे? नीलू जी, आपको, दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आप हमारे साथ अक्सर शो करती है इसलिए मैं थोड़ा आपसी समझ के मैं आपको थोड़ा कह रहा हूँ, लेकिन आप इनको क्यों इतना छेड़ रहे हैं? प्रोविडेंस स्लिप हो जाती है लोगों से, मतलब दिल की बात मुंह में निकल आ गई। अगर वो उनको लगता है कि तेजस्वी सूर्या गुंडा है, मवाली है, तो उनकी वो राय है, व्यक्तिगत राय है। अब कभी कभी जो से राजनीतिक जीवन में हम लोग ये सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन दिल की बात मुंह पे निकल आ गई, जो सार्वजनिक रूप से नहीं कहनी थी निकल आ गई। तो आप, मेरा आपसे यही विनंती है, क्योंकि राजनीति में, हालांकि वो 15-20 साल से राजनीतिक जीवन में बैकरूम बॉय की तरह वो मदद कर रही है प्रधानमंत्री मोदी भाजपा को, लेकिन आज पहली बार वो सार्वजनिक रूप से वो राजनीतिक जीवन में आई है, तो इसको थोड़ा माफ कर दीजिए। और आप एक वरिष्ठ पत्रकार है तो थोड़ा इनको आप थोड़ा लॉन्ग लीच दीजिए, पहली बात तो ये है। लेकिन और गहराई से देखा जाए तो भाजपा के लिए मांस मछली मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं उनके लिए, क्योंकि गोवा में, केरल में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में भी यहाँ तो बीफ भी खाते हैं, मांस मछली उनको बिल्कुल ठीक लगती है। तो जैसे आपको याद होगा, जो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा क्रांति चलाई थी, पिंक रेवोल्यूशन के खिलाफ उन्होंने काफी बयान दिए थे। उन्होंने ये कहा था कि ये जो एबटॉयज है, जो कसाई है, इनको बंद करना चाहिए, वगैरह वगैरह, एक बड़ा अभियान चलाया था, आपको याद होगा। लेकिन अब आश्चर्य की बात यह है कि जब से उनके 10 साल हुए हैं, उनके 10 साल के सरकार के नीचे बीफ एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा देश में हो गए हैं, भारत सबसे आगे चला गया है बीफ एक्सपोर्ट में। तो क्या है कि उनके लिए गौ माता यूपी में मम्मी है लेकिन सब जगह यम्मी है। तो ठीक है, होती है छोटी छोटी, वो कहानी है पुरानी पिक्चर में, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। लेकिन एक मिनट, आप समझिए, देखिए नीलू जी, आप समझिए कि भाजपा
खुद प्रधानमंत्री मोदी, उनके जो सर्वोच्च नेता है, उन्होंने खुद कहा है कि हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं होती है। तो हम आप तो असाधारण आम आदमी है, इसमें हम आप इतना क्यों माथा कूट करें? उनको लिए अगर हिपोक्रेसी है वो चलती है, तो ये जो दिखावा है आपको दर्शकों को गुमराह करने के लिए, ये सिर्फ एक रियलिटी शो चल रहा है उनका। तो थोड़ा हम लोग सतर्क रहे, वो पुराना एड नहीं है जागो ग्राहक जागो, वही है, तो जागो भारत जागो। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि आप फ्रॉइडियन स्लिप बोलकर कंगना रनौत को इतना एक लॉन्ग रोप क्यों देने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट कि ठीक है एक फ्रॉइडियन स्लिप है, बट द पॉइंट इज कि जो बोलना हम चाह रहे थे कि इसके पहले भी वो फ्रॉइडियन स्लिप तो नहीं था जब उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देश का प्रधानमंत्री कह डाला, अब वो शहजादा और आलू उगाने की बात चांद पर, मुझे तो नहीं याद है कि चांद पर आलू उगाने की बात कभी भी राहुल गांधी ने कही हो, उनको शहजादा की आ, 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 बोलकर उनको उस तरीके से नवाज रही है वो। फिर वो तेजस्वी सूर्या के ऊपर आती हैं उनका, जबकि टारगेट तेजस्वी यादव था। तो इसको पॉलिटिकली ना लिया जाए ये भी बात हजम नहीं होती है। आज लोग तो बोलेंगे ही कि भाई वो मंडी से प्रत्याशी हैं हिमाचल प्रदेश की, और वो बातें किस तरीके से कर रही हैं। तो आज एक लंबा, ठीक है बेनिफिट ऑफ डाउट होता है, लोग एक स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, लेकिन स्लिप ऑफ टंग बार बार नहीं हो सकता, और वो भी इतनी फ्रीक्वेंटली। पहले सुभाष चंद्र बोस के बारे में, और अब वो पता नहीं क्या कह रही थी, वो बोलना कुछ चाह रही थी और वो बोल गई कुछ। तो इतना आप बेनिफिट ऑफ डाउट उनको क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो उनकी राजनीति है और ये हमारी राजनीति है। हम लोग एक जो मतलब हम लोग भाजपा और कांग्रेस और इंडिया दलों के आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम उनको अपोनेंट्स की तरह नहीं देखते। हम ये भी मानते हैं कि वो राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं, लोक हित में काम करना चाह रहे हैं, इसलिए हम उनको लॉन्ग लीज दे रहे हैं। अब ये अलग बात है कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स है, जो भाजपा की जो मुझे नहीं पता कि भाजपा की इलेक्शन अथॉरिटी कैसी होगी, कि क्या एक्चुअली वो ट्रांसपेरेंट है, डेमोक्रेटिक है, वो मैं नहीं जानता। हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बोल में से चिट निकाल दिया हो कि चलो आज कंगना को दे देंगे, कल किसी और को दे देंगे, ऐसे हो सकता है। लेकिन वो जो क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट है, जिनकी वो जितने प्रबुद्ध है, जितने अनुभवी है, जितने जानकार है, अगर वो नहीं है तो वो जनता जनार्दन है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वर्स के सिनारियो, अगर वो चुन के आ भी गई, क्योंकि वो स्टार है, बॉलीवुड स्टार रही है, वो चुन के आ गई संसद में, तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि अगले 5 साल वो क्या क्या सर्कस करेंगे? हमारे लिए तो अच्छा ही है, तमाशा मिलते रहेगा। जो मतलब भाजपा को बहुत कठिनाई होगी कि इनको बोलेंगे प्लीज बहन जी मत बोलिए, आप शांत होके घर बैठ जाइए। तो इसमें हम आप पढ़िए मत। देखिए ये लोगों का, देखिए मेरी सिंपल लॉजिक है, भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ती कि मुद्दे की बात को गुमराह करके, उसको भटका के हमारा और आपका ध्यान भटका दे। आज मुद्दा क्या है? आज मुद्दा ये है बेरोजगारी 48 ईयर में सबसे हाई है, महंगाई है, राइट? रेवन्ना ने जितने लोगों को, उनके जो खुद के सांसद है, उनके उन्होंने ब्रिजभुवन भूषण ने, कई सारे उनके जो सांसद हैं जिन्होंने औरतों का, दलितों का शोषण किया है, ये मुद्दे है। चीन ने हमारी जो भारत माता की जमीन पे कब्जा कर रखा है, ये मुद्दा है। आज हमारा पूरा जो भू राजनीतिक स्थिर है, हमारा स्थिति है देश में, दुनिया में, वो बिल्कुल खराब हो गई है। कनाडा, यूएस, यूके से हमारे रॉ के एजेंट्स निकल आगे। तो ये सारी चीजों पे हम लोगों ने ध्यान देना है। जो मैं आपको अभी से कह रहा हूँ, आपकी जो प्रगतिशील दर्शक है वो जानते ही है, जो कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र है, जो अन्य इंडिया दलों के जो मैनिफेस्टो है, ये उसी के ऊपर कर रहे हैं। ये जो भाजपा है रोज अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, रोज, कभी मंगलसूत्र, कभी गाय भैंस, कभी बकरी, मतलब खुद प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि ये आपसे भैंस और बकरी चोरी कर रहे हैं। तो कंगना रनौत तो एक छोटी सी प्रत्याशी है, वो एक ही मूर्खों के सरदार है, और सरदार के साथ फौज भी तो होती है, तो आप क्यों इतना उत्तेजित है? आज जो पॉलिटिशियंस की छवि जो बन रही है, और वो भी बीजेपी के कार्यकाल में, बार बार ये कहा जाता है कि ऐसे ऐसे नमूनों को बीजेपी पकड़ कर लेकर आती है जिनको कि बेसिक नॉलेज नहीं है। विदाउट एनी ऑफेंस टू कंगनाज विजडम, बिकॉज शी इज अ लेडी एंड आई डोंट वांट टू अपियर लाइक दैट एज इफ यू नो आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन अ वेरी कॉन्डिसेंडिंग टोन अबाउट हर, बट द पॉइंट इज कि एक वो सेलिब्रिटी है, और अगर सेलिब्रिटी इस वेन में बात करता है, आज जो छोटे छोटे बच्चे उनको सुनते हैं, मैं कह रही हूँ स्कूल के बच्चे अगर आज उनका वो इंटरव्यू देखेंगे जिसमें कि नविका कुमार के साथ उन्होंने ये कहा कि सुभाष चंद्र बोस देश के प्रधानमंत्री हैं, आज उन बच्चों के लिए क्या मैसेज वो दे रही हैं, आज उन बच्चों को वो क्या मैसेज दे रही हैं ये बोलकर कि देखिए तेजस्वी सूर्या हुलिगनिज्म करते हैं, फिश खाते हैं, अगर वो इस तरीके की बातें कर रही हैं, जो लोग आज पोलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे? क्या आज वो बीजेपी के ऊपर हंसेंगे या फिर कंगना रनौत के ऊपर हंसेंगे? बीजेपी के लिए लर्निंग लेसन इसमें क्या है? बिकॉज़ द एंटायर देखिए जनरेशन इज टू दिस टू कंगना रनौत। नीलू जी, नीलू जी, अब देखिए
एक असत्य नीलू ये कंगना जी ने पहले कहा कि सुभाष चंद्र बोस पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन आज उन्होंने एक सत्य कह के उसको कैंसिल आउट कर दिया कि तेजस्वी सूर्य गुंडा है। ठीक है, तो इन अ वे उन्होंने बैलेंस आउट कर दिया है। तो इसमें और कोई आपको जो आपत्ति थी कि झूठ क्यों बोल रहे, असत्य क्यों बोल रहे, वो तो कैंसिल आउट हो गया। आज उन्होंने सत्य बोल के फाइनली अपना जो चिट्ठा था वो साफ कर दिया। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि आप क्या देखिए लगता है कि इसका रिपरकशन क्या होगा? तेजस्वी सूर्या को गुंडा बोलना, हुलिगनिज्म कहना, डू यू थिंक शी विल हैव टू फेस सम म्यूजिक इन विद इन द पार्टी? आपको लगता है कि कुछ क्यों उनके खिलाफ? क्यों, उनके लिए तो बैज ऑफ ऑनर है तेजस्वी सूर्या। क्या आपको क्या लगता है, वो बहुत शरीफ इंसान है। बैंगलोर में वो किस तरह से गुंडागर्दी करते हैं वो आप खुद जाके देख लीजिए, मुझे मत पूछिए। कर्नाटक के किसी भी कैंडिडेट, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, मीडिया के जर्नलिस्ट को पूछ लीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो उनको कोई वो नहीं होगी, उनको सिर्फ वाहवाकार होगी और कुछ नहीं है। और रही बात, एक मिनट, एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है कि ऐसा तो नहीं कि उनसे कहलवाया गया हो एक ऐसा संदेश कि तेज कुछ जानबूझ के बोल दिया गया हो कि भाई बोलो जाके, उनको डायरेक्टली कोई नहीं बोल सकता, लेकिन कंगना कहेगी तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, ये भी तो हो देखिए सकता है। भाजपा का कुछ कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जो शहनशाह और उनके जो फालतू दरबारी लोग हैं वो ही ठहराते हैं भाजपा में कि क्या होगा। आपको आपको शायद पता नहीं होगा, और आपके दर्शकों को शायद मैं एनलाइटन करना चाह रहा था। गडकरी जी जो सबसे वरिष्ठ नेता है, भाजपा के पहले अध्यक्ष भी रहे हैं, कोई कसर छोड़ी नहीं मोदी जी के भाजपा ने उनको हराने में नागपुर में। आप किसी भी नागपुर के किसी भी उससे पूछ लीजिए, और वसुंधरा राजे, शिवराज चौहान जी, रमन सिंह जी, इनके जितने भी प्रत्याशी थे, चुने गुने प्रत्याशी थे, उन सबको काटने और हराने की रणनीति भाजपा ने अपनाई है। तो ये भी हो सकता है, आप जो कह रहे हैं जो कॉन्स्पिरेसी थियरी है आपकी, हो सकती है शायद तेजस्वी सूर्य मूड उठ गया होगा शहनशाह का तेजस्वी सूर्या के ऊपर से, तो शायद उनको भी सिग्नल देने के लिए कि बॉस लाइन में रहो, अभी तुम कतार में पीछे हो सकता है, मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इस पे हम लोग ध्यान ही क्यों दे, भाजपा के अंदर जो पागलपन हो रहा है वो भाजपा खुद संभाले, हमें और आपको उसमें कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। आपकी तो जो इसका सिंपल बात थी, यूज़ ये इस हाँ, यू कंप्लीट योर पॉइंट देन आई लास्ट यू। नहीं, आपका आपका जो दूसरा जो पॉइंट था इसमें, वो बड़ी गंभीर बात थी आपकी जो कही, कि इसके ऊपर से लोगों के ऊपर क्या असर रहेगा इस ऐसे बयानबाजी पे। आप देखिए एग्जैक्टली भाजपा तो लगातार चाह ही रही है कि हमारे जो युवा है उनका ध्यान भटकाया जाए असली मुद्दों से। आप देखिए, अगर कोई प्रधानमंत्री कह सकता है, ऑफिशियल टेक्स्ट बुक में गया है कि मैं किसी मगरमच्छ के साथ रेसल करके उसको हरा के आया हूँ, ये किस ये अगर प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, तो वाजपेयी जी जिस जिस स्तर पे थे, जिस ऊंचाई पे बात करते थे, उस जिस ऊंचाई के ऊपर से वो देश के साथ इंगेज कर रहे थे, उससे आज कई हम लोग गिर चुके हैं। तो कंगना जी तो उनके खिलाफ, उनके प्रधानमंत्री मोदी के बराबर तो ठीक ठाक ही बोल रही है। नहीं, लेकिन जो लेवल ऑफ डिस्कोर्स है, मैं उसके लिए भी बहुत वरिड हूँ पुष्पराज। हम अक्सर इस चीज को लेकर बात करते हैं, चाहे वो लेवल ऑफ डिस्कोर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो, जहां पर वो मंगलसूत्र और मुस्लिम लीग और तमाम तरीके की वो मछली मटन की बातें करते हैं। उसी प्रधानमंत्री के नैरेटिव को अलग अलग रूप में इस समय कंगना रनौत भी बढ़ा रही हैं और उनके तरह और भी बीजेपी के लीडर्स बढ़ा रहे हैं। मुझे आपसे ये सवाल करना है कि क्या बीजेपी के नेताओं को, आई एम नॉट सिंगलिंग आउट ओनली कंगना रनौत, लेकिन बीजेपी के क्या नेताओं को क्या इस बात का कोई गिला शिकवा है ही नहीं कि ये जो लेवल ऑफ डिस्कोर्स है ये कहाँ जा रहा है? इनको मुद्दे से मतलब ही नहीं है, इनको मतलब ही नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे। अब जैसे कंगना रनौत है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, शी थिंक्स शी इज अ सुपरस्टार, उनको वो कुछ भी बोलेंगे लोग उनको सुनेंगे। लेकिन क्या उनको ये समझ में आ रहा है कि उनके ऊपर लोग हंस भी रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री को ये समझ में आ रहा है कि जब वो कुछ मुंह से बोलते हैं तो लोग हंसते भी हैं, उनके ऊपर पूरा विश्व हंसता है? इस चीज का रियलाइजेशन बीजेपी क्यों नहीं कर पा रही है? ये आपने एक बड़ी संरचनात्मक बात को छेड़ चुके हैं। देखिए राजनीति क्या है, कई सारे लोग कहते हैं राजनीति सिर्फ सत्ता की भूख, सत्ता की एक दौड़ है, लेकिन राजनीति एक्चुअली सिर्फ एक जरिया है समाज सेवा करने का। हम आप अगर राजनीति में आते हैं, हम ये सोच के करते हैं कि हम अपने कौम के लिए, हमारे समुदाय के लिए, हमारे हमारे शहर के लिए, हमारे प्रांत के लिए, हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे। लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, पानी, जान जहान, जीविका, इनकी जो प्रावधान है ये हम लोग प्राप्त करेंगे, कि देश का जो संवैधानिक वादा है ये और गहराई से हम लोग तक पहुंचाएंगे, ये राजनीति है। लेकिन भाजपा को इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये इन सब संस्थागत और संवैधानिक मूल्यों से पूरी तरह से परे है। तो उनके लिए सत्ता के लालच में कुछ भी जायज है,
आप मंगलसूत्र छीनने की बात करो, आप सांप्रदायिकता तक पहुंच जाओ, आप जाति में बंटवारा करो, देश को तोड़ने की बंटवारा करो, लोगों को पीटो, गैस मतलब टियर गैस कराओ, कोई भी इनके लिए कोई भी चीज कंप्लीटली वैलिड है। अभी बंगाल में देखिए क्या हुआ, उनके खुद स्टिंग ऑपरेशन में वो पकड़े गए कहते हुए कि हम लोग इधर मतलब तनाव पैदा करेंगे। तो आप समझ रहे हो ना, ये सत्ता की लालच में भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है, इनको लोक हित और देश हित की कोई पड़ी नहीं है। मैं व्यूअर्स के सामने एक बार फिर से वो कंगना रनौत का वो पोर्शन प्ले आउट करना चाहती हूँ, अगर आप उसको फिर से सुना सकें, और फिर मैं अंतिम कमेंट पुष्पराज से लूंगी। एक बार कंगना रनौत का फिर से कमेंट प्ले करिए प्लीज। मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स सुने कि वो किस तरीके की बातें कर रही है। इनको खुद नहीं पता ये कहाँ आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। इस तरह की एक बिगड़े हुए शहजादों की एक पार्टी है, चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्य हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं। अब आपसे मुझे कंक्लूडिंग कमेंट चाहिए पुष्पराज, कि बिगड़े हुए शहजादे हैं, गुंडागर्दी करते हैं और मछली उछाल उछाल कर खाते हैं, क्या कहेंगे अंत में, और क्या मैसेज आपका है कंगना रनौत को लेकर? आप कंगना रनौत को अगर मैं कहूँ एक मैसेज आपको आज देना है, उनको आप क्या कहेंगे? आपने वो पिक्चर मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है, जिसमें बोमन ईरानी एक सरदार जी का रोल प्ले करते हैं, तो उस पूरे पिक्चर में पता है वो क्या कहते हैं, गेट वेल सून। बस मैं यही कहना चाहूंगा कंगना जी को, भाजपा को, प्लीज गेट वेल सून, देश हित के लिए, लोकहित के लिए मुद्दों पे बात करिए। चुनाव आज 140 करोड़ लोगों के हित के बारे में है, आप अनशन बातें मत करिए, पूरी जनता आपको देख रही है, पूरे देश आपको देख रहा है, या और तो और आपको पूरी दुनिया देखेंगे। कल को अगर आप संसद चुन के आ गए, ठीक है, गलती से अगर वो चुन के आ भी गए कल, पूरा देश भर पूरे दुनिया भर में वो मजाक उड़ाएंगे हमारा कि बिल्कुल कैसे बिल्कुल, बेवकूफ लोगों को हमने चुना है। मैं भी वही सोच रही हूँ कि अगर कंगना रनौत संसद में खड़ी होंगी तो या तो उनकी स्पीचेस को एक्सपंज किया जाएगा या तो फिर बीजेपी की वो और हंसी हसारत करवाएंगी। देखिए नीलू जी, अगर वो संसद में आ गई ना, जो बिग बॉस का होता है वो अगस्त और दिसंबर में होता है, अब आप मान के चलिए जुलाई से, जुलाई सत्र जो मानसून सत्र, विंटर सत्र और समर सत्र, तीन जो सेशंस है, तीनों में बिग बॉस का चलेगा, हमारा लाइव टेलीविजन होगा, रियलिटी टीवी चलेगा संसद में, और उनके मेन मेन जो जो सलमान खान जी थे ना, ये रोल, ये जो किरदार है वो कंगना जी निभाएगी। चलिए आपने तो कह बिग बॉस के जो पार्टिसिपेंट है वो रोएंगे, अमित शाह जी, मोदी जी, वो बोलेंगे बहन जी माफ करो हमको, हम जा रहे हैं, या तो आप संभालो या तो हमको संभालने दो। आपने कंगना को गेट वेल सून कहा है, आई एम श्योर वी विल टैग दिस एपिसोड टू कंगना रनौत एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सो दैट दे कैन वॉच व्हाट यू हैव सेड, और उम्मीद करेंगे कि उनकी आंखें खुले और वो इस तरीके की बात ना करें। क्योंकि मुझे जो चीज कंसर्न करती है कि जब सेलिब्रिटीज इस तरीके की बातें करते हैं तो जो यंगर जनरेशन है, स्कूल में पढ़ने वाले लोग हैं, उनको इन बातों का क्या असर होता है? क्या वो जनरेशन कंगना रनौत को बिलीव करने लगेगी कि भाई जो उन्होंने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री थे, क्या आप अपने बच्चों को ये चाहते हैं कि वो ये सोचने लगे? इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या होगी? आज इसीलिए इस पूरे चर्चा को मुझे करना पड़ा और समझाना पड़ा कि किस वाहियात तरीके से वो अपनी बातों को रखती हैं, जो कि मूर्खतापूर्ण है और हास्यास्पद भी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पराज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू नीरज।